आज का दिन है 26 सितंबर 2023 और वो दिन आज आ चुका है। पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से जो धरना करने का जो ऐलान किया गया था 7 डेज के लिए, लेकिन हाल फिलहाल में उस ऑर्डर को दोबारा डीसी की तरफ से एक ऑर्डर आ रहा है कि सिर्फ 3 दिन के लिए ही देंगे। पहले तो 7 दिन के लिए उन्होंने लिया, अब 3 दिन, मतलब कि 26, 27 एंड 28, ये 3 दिन पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी वो यहाँ पे टेनिस कोर्ट पे धरना करेंगे। हमने जब वहाँ पे हमने विटनेस किया, अभी तक वो बना रहे हैं, अपना पैनल बना रहे हैं, जो झंडा है वो इधर उधर वो अरेंजमेंट कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी आ चुके हैं, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अगर हम आपको बताएं तो कब शुरू हो सकता है, शाम के 2 या 3 बजे पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी वो अपना धरना ऑफिशियली चालू कर सकते हैं और बहुत से सोशल एक्टिविस्ट वर्कर्स आएंगे, अपना भाषण रखेंगे। अब जनता जानना चाहते हैं और जानते भी हैं डिमांड्स क्या है। डिमांड्स यही है कि 13 चार्टर्स ऑफ डिमांड फुलफिल करना है। इस तरह से सरकार को गुहार लगा रहे हैं धरना के जरिए से, पीसफुल सिट इन धरना करने का यही मोटिव है। सभी को बता दूं 18 फरवरी जब सरकार से बात करने के बाद बहुत जनता सेक्रेटरीट के अंदर बैठे थे, वहाँ पे डिस्कशन चला, फिर नाच के झूम के सोल दो दुम जिस तरह से बाहर निकल लेते हैं, हमने विटनेस किया। जब हमने उनसे पूछा कि रिजल्ट क्या है, सोल दो दुम की तरफ से कहना है और टीची पुरु जो कि चेयरमैन है पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के और तादक नलो वाइस चेयरमैन पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के, उनके तरफ से साफ कहना है कि उनका डिमांड्स 13 चार्टर्स ऑफ डिमांड फुलफिल कर दिया गया है सरकार के तरफ से। लेकिन 10 दिन के बाद फिर ये खबर आती है कि सरकार ने टोपी पहनाया है। अब सवाल ये बनता है कि वहाँ में लोग जो गए थे सोशल वर्कर पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स क्या कर रहे थे। जो डॉक्यूमेंट्स जो हमने विटनेस किया वहाँ पे तो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स के साइन और कुछ सोशल एक्टिविस्ट के साइन, जब हमने पूछा अथॉरिटी का साइन कहाँ पे है जहाँ पे ये एश्योरेंस दिया गया है कि आपका डिमांड जो है सरकार फुलफिल करने वाले हैं, तो उनके तरफ से कहा गया है कि अथॉरिटीज यहाँ पे साइन नहीं करते हैं, ना कि सीएम करते हैं। अब अंत में ये पता चलता है कि सरकार ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है, टोपी पहनाया है। दोबारा से उन्होंने लोगों को बताया कि सरकार की तरफ से धोखा हुआ है, इसलिए वो कंटिन्यूसली धरना कर रहे हैं। 13 चार्टर्स ऑफ डिमांड को लेके कर तो रहे हैं, लेकिन एक एडिशनल हाल फिलहाल में हमने देखा कि स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी लेट ग्यामर पादंग को पादंग के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। अभी शुरू तो नहीं हुआ है, लेकिन जब शुरू होगा अपनी बात को रखेंगे सरकार को, शायद अपने बातों के जरिए से कुछ गालियाँ भी देंगे, डिमांड्स भी रखेंगे, सोशल एक्टिविस्ट आएंगे वो भी सरकार के ऊपर में कुछ गालियां देंगे, जैसे कि विटनेस हम करते हैं हमेशा, सॉल्यूशन के बारे में लोग बात नहीं करते हैं। हमने अक्सर आपसे कहा है कि लोग जो भी सोशल एक्टिविस्ट आते हैं स्पीकर्स बन के आते हैं, लोग गाली दे के चले जाते हैं अपने मन को शांति के लिए, गाली बकते हैं और घर चले जाते हैं। इसी तरह से ये लगातार 3 दिन रहेगा, सरकार भी अदामैन है कि फुलफिल, सरकार की तरफ से कहना है कि फुलफिल कर दिया गया है, लेकिन पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से कहना है कि सरकार ने फुलफिल बिल्कुल नहीं किया है। तो मांजरा क्या है ये लोग आप जानना चाहते हैं। सभी को बता दूं कि मैटर जो कहाँ पे है, मैटर जो कहाँ पे जब हम कहते हैं तो मैटर जो कोर्ट पे है, कोर्ट का अपडेट जब हम तारक नालो वाइस चेयरमैन पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से हमने उनसे पूछा, तो उनकी तरफ से कहना है कि अपडेट को वो अभी नहीं दे सकते हैं, मीडिया में वो नहीं बता सकते हैं क्योंकि सब जुरिस मैटर है, कोर्ट पे है। अब सलूशन कैसे निकलेगा, ये एग्ज़ाम जो है कब होगा ये लोग जानना चाहते हैं। सभी को बता दूं ये साल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि चेयरमैन गठन ही नहीं हुआ है। अब चेयरमैन गठन तो कर दिए लेकिन 2 मेंबर्स कमिटी जो है उन्होंने केस डाला गया है जिसके वजह से अभी एम्बलप में बंद है। मतलब चेयरमैन का जब गठन नहीं होगा तो आप सोच के देखिए एग्ज़ाम कैसे होगा। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये साल तो बिल्कुल नहीं होगा, आने वाला 2024 में भी कुछ कह नहीं सकते। उससे ये साफ पता चलता है कि बहुत से लोगों का, कैंडिडेट्स एस्पिरेंट का एज तो पार होगा, इतना तो तय है। अब नुकसान किसका हो रहा है लोग जानना चाहते हैं, नुकसान किसका हो रहा है।
अब पेरेंट्स जो नल एंड बॉयड को नहीं मानते उनके तरफ से भी सुनने को आता है कि 30 को धरना करेंगे, उनके तरफ से भी अगर सोचा जाए तो सही है अपनी जगह। अब ये पैन अरुणाचल जोन स्ट्रिंग ये कमिटी ये भी अपनी जगह सही है। अब सोल्यूशन रिजल्ट कैसे मिलेगा, विक्टिमाइज कौन हो रहा है? डेफिनेटली जिसका एज 32, 33, 34, 35 एज हो चुका है वो विक्टिमाइज हो रहे हैं। दो साल तक तो जितना तक मुझे पता है एग्ज़ाम तो होगा नहीं, क्योंकि मैटर जो कोर्ट पे है, चेयरमैन भी अपॉइंटमेंट अगर कर दिया गया इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन एम्बलप में बंद है। जब तक केस सॉल्व नहीं होता, बार्दिक नहीं आ जाता कोर्ट की तरफ से, तब तक चेयरमैन गठन नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, डिप्राइव होने वाले होते रहेंगे, धरना करने वाला करते रहेंगे। इलेक्शन आएगा 2024 में, वही लेजिस्लेटर अगर चुन के आते हैं तो वो अपना डिसीजन दे चुके हैं इस तरह से कहते हैं। आप लोगों से हम पूछते हैं तो लोगों का कहना है कि जो फिलहाल जो जितने भी यहाँ पे लेजिस्लेटर्स हैं, हमारे एमएलए हैं, उन्हें ही बदल दें। दूसरा एमएलए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आए तो उन्हें एक ये डिमांड को फुलफिल करने को कहे। जब यहाँ के मेंबर्स हमने पूछा तो आप ये मुहिम क्यों नहीं उठाते हैं, तो उनकी तरफ से कहना है कि अगर हम कैंपेन चालू करेंगे कि जितने भी एमएलए हैं इस बार जो है प्रेजेंटली उन्हें हटाया जाए और कैंपेन करेंगे, तो लोग कहेंगे कि पॉलिटिकलाइज, इसलिए वो करना नहीं चाहते। इस तरह से कहना है पैन अरुणाचल जोन स्टिंग कमिटी की तरफ से। धरना 26, 27, 28 तक रहेगा। 29, 30 को पेरेंट्स जो ग्रुप है जो अगेंस्ट नल एंड वॉयड है वो भी यहाँ पे करेंगे। उनके तरफ से भी सरकार को यही रहेगा कि बिल्कुल नल एंड वॉयड नहीं होना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना, इस तरह से वो कहेंगे क्योंकि बार बार कह रहे हैं। उसी बीच जितने भी डिप्राइव एस्पिरेंट हैं जिसका एज लगभग ख़त्म होने को है वो विक्टिमाइज हो रहे हैं, एग्जाम तो नहीं हो रहा, कोर्ट पे केस पेंडिंग है। चल क्या है अरुणाचल प्रदेश में, कैसे चलेगा, ये सवाल है। चलिए हम कुछ गंदे के बाद आपको डिटेल्स में बताएंगे कौन कौन सोशल एक्टिविस्ट आए हैं, वर्कर्स आए हैं, वेल विशर्स आए हैं, और क्या क्या बात अपना रखते हैं, नए बात कुछ रखते हैं या वही जो बार बार वो लोग कहते हैं डिमांड्स फुलफिल करने के लिए वही बात को रखते हैं, और कितने लोग आते हैं, कितने सपोर्टर्स आते हैं, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हैं अरुणाचल समाचार राजीव गुच्छी के साथ और कैमरामैन बिरी तागे के संग। धन्यवाद आप सभी का।